प्यारे बच्चों, 11th क्लास फिजिक्स के पांचवें चैप्टर गति के नियम के आठवें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम इस नियम की परिभाषा को समझेंगे और फिर न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर इस नियम को हम प्रमाणित करेंगे, और उसके बाद जो है संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर हम न्यूटन के गति के तीसरे नियम को भी प्रमाणित करेंगे, और सबसे लास्ट में जो है हम संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित कुछ उदाहरणों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आइए सबसे पहले हम संवेग संरक्षण के नियम की परिभाषा को समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये कुछ कणों का एक निकाय है, एक सिस्टम है, और संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि इस निकाय पर, इस सिस्टम पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगता, बाहरी बल जीरो है, तो इस निकाय का जो मोमेंटम है हमेशा ही क्या रहेगा, नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको अगर हम और आसान भाषा में समझे तो मान लेते हैं कि इस निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा और सभी का जो संवेग है, मान लेते हैं कि ये पहला पार्टिकल है, इसका संवेग पी वन है, दूसरा पार्टिकल है, इसका संवेग पी टू है, इस तरह से मान लेते हैं कि इसमें एन पार्टिकल है, तो इनका जो संवेग है वो पी वन हो गया, दूसरे का पी टू हो गया, तीसरे का पी थ्री हो गया, इसी तरह से लास्ट का जो है वो पी एन हो गया। तो अगर सभी का संवेग अगर आप जोड़ोगे तो क्या होगा, पी होगा, ठीक। तो अब मान लेते हैं कि आपस में गति के कारण टकरा जाते हैं। टकराने के बाद मान लेते हैं कि पहले का मोमेंटम P1 के बजाय P1 डैश हो जाता है, दूसरे का P2 डैश हो जाता है, इस तरह से कुछ अलग अलग मोमेंटम सभी पार्टिकल्स का हो जाता है, अलग अलग संवेग सभी कणों का हो जाता है। तो अगर टकराने के बाद भी अगर आप सभी का संवेग जोड़ के देखोगे तो अभी क्या मिलेगा आपको, पी ही मिलेगा, वही नियत मिलेगा, आपस में टकराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता यदि बाहरी बल जीरो है। तो रैखिक संवेग संरक्षण के नियम की परिभाषा पर नजर डालें तो हम ये कह सकते हैं कि जब कणों के निकाय पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो सभी कणों का कुल परिणामी रैखिक संवेग क्या रहता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है। तो अब अगर इस नियम को हम प्रमाणित करना चाहें तो इसका जो प्रमाण है वो हम न्यूटन गति के नियमों के आधार पर दे सकते हैं। किसके आधार पर दे सकते हैं, न्यूटन गति के नियमों के आधार पर। इसे हम न्यूटन गति के तीसरे नियम के आधार पर भी प्रमाणित कर सकते हैं और दूसरे नियम के आधार पर भी प्रमाणित कर सकते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि इसको दूसरे नियम के आधार पर किस तरह से प्रमाणित करें। तो आइए सबसे पहले न्यूटन गति के दूसरे नियम के आधार पर हम रैखिक संवेग संरक्षण के नियम को प्रमाणित करते हैं। तो इसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक सिस्टम है, कोई एक निकाय है जिसमें एन पार्टिकल्स है। तो ये फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड, थर्ड और ये nth पार्टिकल है। तो पहले पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो मान लेते हैं पी वन है, रैखिक संवेग जो हो P1 है, दूसरे पार्टिकल का रैखिक संवेग P2 है, इसी तरह से चलते हुए जो nth पार्टिकल है उसका रैखिक संवेग कितना है, Pn है। तो यहाँ पर जो कुल संवेग होगा, कुल संवेग हम मान के चलते हैं कि P है, और जो किसके बराबर है, P1 प्लस P2 और इसी तरह से Pn, सभी के टोटल के बराबर है, सभी के सम के बराबर जो है इस पूरे निकाय का संवेग है। तो न्यूटन गति के दूसरे नियम के अनुसार, सेकंड नियम के अनुसार क्या है कि बाहरी बल, बाहरी को हम एक्सटर्नल मतलब बाहरी, कि यदि किसी भी निकाय पर बाहरी बल लगता है तो वो किसके बराबर होता है, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, dP/dt के बराबर होता है।
लेकिन यहां पर हम यह मान के चलते हैं कि बाहरी बल तो लगना नहीं चाहिए स्वाभाविक संरक्षण के नियम की कंडीशन के अनुसार। अगर बाहरी बल जीरो है तो इसका मतलब इन दोनों समीकरणों से क्या चीज निकल के आती है कि बाहरी बल जो है वो डीपी बाई डीटी के बराबर होता है, लेकिन बाहरी बल यहाँ जीरो है तो जीरो यहाँ रखेंगे तो इसका मतलब डीपी बाई डीटी संवेग परिवर्तन की दर क्या है, जीरो है। अब किसी भी भौतिक राशि के परिवर्तन की दर जीरो होने का मतलब क्या है कि वो भौतिक राशि जो है वो नियत है। इसका मतलब पी जो है वो क्या है, नियत है, क्योंकि किसी नियत राशि के परिवर्तन की दर ही जीरो होती है। तो ये चीज तो हमें प्रूव करनी थी कि अब कि जब कोई बाहरी बल नहीं लगता तो कुल संवेग जो है, कुल रैखिक संवेग जो है वो क्या है, नियत है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं कि पी नियत है, इसका मतलब पी वन प्लस पी टू प्लस पी एन ये सारा क्या है, नियत है, ठीक। या फिर आप ये कह सकते हो कि इनमें जो परिवर्तन है पी वन प्लस पी टू प्लस पी एन, इनमें परिवर्तन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि नियत है, फिक्स है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसमें परिवर्तन होगा ही नहीं, परिवर्तन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसका मतलब डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू प्लस इसी तरह से चलते जाएंगे डेल्टा पी एन। तो सभी कणों के संवेग में परिवर्तन को अगर आप जोड़ोगे तो परिवर्तन कुछ होगा ही नहीं, परिवर्तन जो है वो जीरो रहेगा। तो ये संवेग संरक्षण का नियम जो इस तरह से सेकंड नियम के आधार पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए जो बात मैंने आपको यहाँ समझाई है वो सारे नोट्स में लिख भी दी है, तो आप ये नोट्स जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए कि रैखिक संवेग संरक्षण के नियम को न्यूटन गति के तीसरे नियम के आधार पर भी हम प्रमाणित कर सकते हैं। इसके लिए हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये दो वस्तुएं हैं ए और बी, इन वस्तुओं का हम नाम दे देते हैं ए और बी। ए का जो द्रव्यमान है वो एम वन है और बी का द्रव्यमान एम टू है। मान लेते हैं कि शुरू में ए जो है यू वन वेग से चल रही है और बी जो है वो यू टू वेग से चल रही है, और ये मान के चलते हैं कि यू वन जो है वो यू टू से बड़ा है। अगर ये तेज स्पीड से चल रही है, एक ही दिशा में, एक ही रेखा में चल रही है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ये आपस में टकराएगी। तो जब टकराती है ना तो ये ए और ये लो दे, ये बी से टकरा गई है यहाँ पर, ठीक। तो जब ए बी से टकराएगी तो टकराते समय ए जो है वो बी पर जो बल लगाएगी, वस्तु ए द्वारा बी पर बल, तो हम ये कहते हैं कि एफ टू वन है, ठीक, कि वस्तु बी पर ए द्वारा जो बल है वो एफ टू वन है। बदले में बी जो वो ए पर बल लगाएगी वो एफ वन टू है, ठीक। अब यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको वन टू मानो, इसको टू वन, इस जो इसको टू वन मैंने माना इसको आप वन टू भी कह सकते हो, और इसको टू वन है तो वन टू है इसको आप टू वन भी कह सकते हो, लेकिन बस यहाँ लिखना पड़ेगा कि टू वन क्या है और वन टू क्या है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ टू वन क्या है, वस्तु बी पर ए द्वारा बल, वस्तु ए द्वारा प्रत्यारोपित बल। इसी तरह से एफ वन टू क्या है, वस्तु ए पर वस्तु बी द्वारा बल है, ठीक। अब जो भी लेट करो यहाँ पर वो यहाँ पर लिख देना आपने। अब जैसे आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद जो है ये फिर से अलग अलग हो जाते हैं, और अब देखिए कि जो वस्तु ए है उसका वेग हो जाता है वी वन, और वस्तु बी का जो वेग है वो वी टू हो जाता है, द्रव्यमान वही रहता है, ठीक।
तो अब टकराने से पहले अगर आप वस्तु बी का मोमेंटम देखो, बी का संवेग देखो, तो अब टकराने से पहले वस्तु बी का संवेग, तो यहां पर मैं संवेग की बात करूं तो आपने रैखिक संवेग ही मानना है। तो संवेग का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में वेग, तो एम टू इंटू यू टू, ठीक, ये टकराने से पहले का संवेग है। अब टकराने के बाद भी, क्योंकि इसी लाइन पर इसी दिशा में रहती है, तो टकराने के बाद वस्तु बी का संवेग, टकराने के बाद संवेग क्या रहेगा, एम टू इंटू वी टू। अब वस्तु बी के संवेग में परिवर्तन, संवेग में वस्तु बी के संवेग में परिवर्तन, वस्तु बी के संवेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा, फाइनल संवेग ये है एम टू वी टू और इनिशियल ये है, तो फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे एम टू इंटू यू टू, ठीक, ये संवेग में परिवर्तन आ गया। और अब देखिए बी पर जो बल लग रहा है एफ टू वन, तो बल किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो बी पर जो बल लग रहा है वो बी के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन तो ये हो गया एम टू वी टू माइनस एम वन वी वन, और दर अगर ज्ञात करनी तो इसको जितने समय टक्कर हुई है वो समय हम इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो जैसे वस्तु बी के लिए हमने ये चीज ज्ञात की है, उसी तरह से वस्तु ए की अगर हम ज्ञात बात करें तो वस्तु ए के लिए इसी तरह, वस्तु ए के लिए करेंगे तो वन टू बराबर एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन बाई टी, ये हो जाएगा। अब देखिए कि आपने यहां से दो इक्वेशन प्राप्त कर ली हैं। अब हम लगाएंगे न्यूटन गति का तीसरा नियम। न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि एफ वन टू बराबर माइनस एफ टू वन, तो ये हो जाएगा एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन बाई टी बराबर, ये होगा एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू बाई टी। अगले स्टेप में क्या होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो अब यू यू वाले टर्म एक तरफ कर लो, वी वी वाले एक तरफ कर लो, जब इसको रीअरेंज करेंगे तो यह आएगा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ठीक। तो एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू क्या है, ये टकराने से पहले का मोमेंटम है कि एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, ये टकराने से पहले का संवेग है, और नीचे आया है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये टकराने के बाद का संवेग है। तो टकराने से पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग है, ठीक। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि संवेग, ये कुल संवेग जो है यहाँ पर नियत रहा है, क्योंकि टकराने से पहले का जो संवेग है वही टकराने के बाद का संवेग है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर से पहले का कुल संवेग,
बराबर, टक्कर के बाद का कुल संवेग। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसी से जो संवेग संरक्षण का नियम जो है वो सिद्ध हो जाता है। अब देखिए, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यूटन गति का जो तीसरा नियम है उसको भी हम संवेग संरक्षण के नियम से प्राप्त कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक निकाय में सिर्फ दो ही पार्टिकल है, दो ही कण है। इनका मास क्या है? M1 और M2 है। ठीक, तो इनके अंदर आपस में अन्वयन अन्वयन क्रिया होती है, आपस में कोई म्यूचुअल एक्शन रिएक्शन होती है, जिसके कारण इनका मोमेंटम जो है दोनों का चेंज हो जाता है। तो पहले कण में के मोमेंटम में जो परिवर्तन होता है उसको मैं Δp1 कह देता हूँ, और दूसरे कण के मोमेंटम में जो परिवर्तन होता है उसको मैं Δp2 कहता हूँ। अब संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों के संवेग में कुल परिवर्तन क्या होता है? हमेशा ही जीरो होता है कि परिवर्तन तो कुल, देखिए क्योंकि संवेग नियत रहेगा तो इनमें परिवर्तन तो जीरो रहेगा ना। तो यहां से आप Δp1 = -Δp2 कह सकते हो, और ये आपस में जो है Δt समय के लिए टकराती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको दोनों तरफ Δt से डिवाइड कर देता हूँ, Δp1 / Δt -Δp2 / Δt। ठीक, Δp1 / Δt F12 कि पहले पर बल दूसरे के द्वारा। इसी तरह से माइनस, देखिए समय परिवर्तन की दर क्या होती है, उस पर लगे बल के बराबर होती है। और P2 के यानी दूसरे पार्टिकल के समय परिवर्तन की दर, यानी दूसरे पर जो बल लगा, कौन लगाएगा? पहला ही लगाएगा। ठीक, तो यहां पर हम ये जो एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं इसको आप पहचान रहे हैं क्या है? न्यूटन गति का तीसरा नियम है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में मैं आपको रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के कुछ उदाहरण समझाऊंगा, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है बंदूक का प्रतिक्षेप वेग यानी रिकॉलिंग ऑफ गन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो मैं आपको अगले लेक्चर में सबसे पहले करवाऊंगा। इसके अलावा और भी कई सारे इम्पोर्टेंट इसके एग्जाम्पल करेंगे, और इसी पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे जो अक्सर नीट वगैरह के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।